तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश, और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे महाराणा राज सिंह के पुत्र महाराणा जय सिंह के बारे में, ठीक है। यानी राज सिंह के बाद में अगला महाराणा कौन बनता है? जय सिंह। और जय सिंह के बाद में अगला महाराणा बनेगा महाराणा अमर सिंह सेकेंड, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाराणा जय सिंह के बारे में। क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे औरंगजेब से संधि, उसके बाद में एक प्रमुख झील जयसमंद झील का निर्माण, जो किसने करवाया था? महाराणा जय सिंह ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं औरंगजेब से संधि। अब हमने जब राज सिंह के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ विरोध की नीति अपनाई थी, औरंगजेब के मंदिर तोड़ो अभियान का विरोध किया था, औरंगजेब के जजियागढ़ का विरोध किया था, और इसके अलावा औरंगजेब मारवाड़ के अजीत सिंह को राजा नहीं मान रहा था, तो औरंगजेब के विरुद्ध महाराणा राज सिंह ने क्या किया था? अजीत सिंह को शरण दी थी, और राठौड़ सिसोदिया गठबंधन भी किया था। ये सारी बातें हैं वो महाराणा राज सिंह ने की थी। लेकिन अब जय सिंह जब महाराणा बना, तो उसने क्या किया? औरंगजेब से संधि कर ली। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो राज सिंह के समय जो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बना था, वो अब टूट गया। या फिर हम कह सकते हैं कि जो मेवाड़ वाले हैं, वो इस गठबंधन से अलग हो गए। यानी महाराणा जय सिंह के समय जो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन था, उससे मेवाड़ वाले क्या हो गए? अलग हो गए। किसके समय? तो महाराणा जय सिंह के समय। इसके अलावा औरंगजेब से संधि हुई, और हमने पढ़ा था कि महाराणा राज सिंह ने क्या किया था? औरंगजेब के जजियागढ़ का विरोध किया था। अब महाराणा जय सिंह ने भी इसका विरोध किया, और औरंगजेब के साथ संधि की, और महाराणा जय सिंह ने शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि आप मेवाड़ के क्षेत्र में, यानी औरंगजेब से कहा कि मेवाड़ के क्षेत्र में जजियागढ़ नहीं लगाने देंगे तुझे, ठीक है, संधि तुमसे कर लेंगे, लेकिन तुम्हें मेवाड़ वाले एरिया में जजियागढ़ नहीं लगाने देंगे। औरंगजेब ने कहा ठीक है, तो जजियागढ़ यहाँ पे नहीं लगेगा। कौन से वाले एरिया में? मेवाड़ में, ठीक है। लेकिन औरंगजेब ने कहा कि जजियागढ़ तो आप मत देना, लेकिन कुछ क्षेत्र है वो मुझे देने पड़ेंगे। तो महाराणा जय सिंह ने कहा कौन कौन से क्षेत्र है? तो औरंगजेब ने कहा कि पुर और मांडल और बदनौर, ये जो तीन प्रगने हैं वो मुझे देने पड़ेंगे। तो महाराणा जय सिंह ने औरंगजेब से संधि की, और उन्होंने पुर मांडल बदनौर, ये तीन प्रगने हैं वो किसको दे दिए? औरंगजेब को दे दिए। और बदले में क्या हुआ कि मेवाड़ है वो जजियागढ़ नहीं देगा, ठीक है। तो ये थी औरंगजेब से संधि। इसका जो मुख्य जो परिणाम निकलता है, वो निकलता है कि जो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन था वो टूट गया, यानी महाराणा जय सिंह इससे अलग हो गए। अब देखिए जयसमंद झील का निर्माण सबसे इंपॉर्टेंट है। महाराणा जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। जिस प्रकार महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, उसी प्रकार उदयपुर में जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। कब करवाया? तो कहते हैं कि 4 साल लगे थे, 1687 से लेकर 1691 तक। और कहते हैं कि ये झील है वो 4 नदियों का पानी रोक के है, वो एक दर्रे से गुजारा गया, और उसके बाद में उस झील में, यानी जयसमंद झील में लाया गया। तो 4 नदियाँ कौन कौन सी थी? तो 4 नदियाँ थी गोमती, झामरी, रूपारेल और बघार। ये 4 नदियाँ थी, इनका पानी है वो एक दर्रे के माध्यम से गुजारा गया और इस झील में, यानी जयसमंद झील में लाया गया। ये आपकी झील है जयसमंद झील, और ये जो आप पास देख रहे हैं दर्रा, ये है ढेबर दर्रा, ठीक है। ये कौन सा दर्रा है? ढेबर दर्रा। तब कहते हैं कि 4 नदियाँ यानी गोमती, झामरी, रूपारेल, बघार, इनका पानी रोक के ढेबर दर्रे के माध्यम से इस झील में, यानी जयसमंद झील में लाया गया। तो इस कारण इस जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका पानी है वो ढेबर दर्रे के माध्यम से लाया गया था, तो इसको ढेबर झील भी कहा जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा कहते हैं कि ये जो झील है, इसमें 7 बड़े बड़े टापू बने हुए हैं, और इसमें से जो सबसे बड़ा टापू है, इसका नाम है बाबा का भांगड़ा, ठीक है, बाबा का भांगड़ा इस टापू का नाम है। इसके अलावा जो सबसे छोटा टापू है, उसका नाम है प्यारी। नाम देखिए कितना प्यारा है, प्यारी, ठीक है। तो 7 टापू है, इसमें कितने टापू हैं? 7 टापू हैं, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि इस झील के किनारे महल बने हुए हैं, जिसको कहा जाता है रूठी रानी का महल, रूठी रानी के महल, जिसको क्या कहा जाता है? रूठी रानी के महल। कहते हैं कि जयसमंद, सॉरी, महाराणा जय सिंह है, उनके एक रानी हुआ करती थी परमार रानी, कोमला देवी। ये कहते हैं कोमला देवी है वो रूठ जाती है,
जय सिंह से, और वो यहाँ पे जसमंद जेल के पास आके रहने लगती है। और यहाँ पे बाद में कमला देवी के लिए यहाँ पे महल बनवा दिए गए, और इसलिए इन महलों का नाम पड़ा रूठी रानी के महल। इसके अलावा मारवाड़ में भी हम पढ़ते हैं उमा दे हैं, मालदेव की पत्नी उमा दे, उनको भी इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है और उनके महल भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये कौन से महल है, तो ये जय सिंह की परमार रानी थी कोमला देवी, उनके महल है। ठीक है, किस झील के किनारे बने हुए हैं, तो जयसमंद या ढेबर झील के किनारे बने हुए हैं। तो ये हमने महाराणा जय सिंह के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे महाराणा अमर सिंह के बारे में। ये जो महाराणा अमर सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में सबसे पहले देखिएगा, छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे महाराणा अमर सिंह सेकेंड, ये कौन से सेकेंड, क्योंकि अमर सिंह फर्स्ट आप सभी जानते हैं, महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे वो थे अमर सिंह फर्स्ट। पहले तो ये बात याद रखिएगा कि इनके समय इनके नाम पे ही जो अमरसाई पगड़ी है उसका प्रचलन है वो मेवाड़ में हुआ, ये बात आप याद रखिएगा। और इसके अलावा जैसे हमने महाराणा कर्ण सिंह पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि महाराणा कर्ण सिंह ने महल बनवाया था कर्णविलास महल, तो इसी प्रकार महाराणा अमर सिंह सेकंड ने भी अपने नाम पे एक महल बनवा दिया, उसका नाम क्या हुआ, अमरविलास महल। इसके अलावा जब हम पीछे का कोई चीज़ याद आ रही है वो आपको बता देता हूँ। जैसे हमने महाराणा जय सिंह से पहले पिछले वाले वीडियो में हमने महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ा था, तो हमने महाराणा राज सिंह की उपाधि है उस पर चर्चा नहीं की थी, तो अब मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ, फिर आपको ये दिवाली समझौता है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो महाराणा राज सिंह की उपाधियाँ या टाइटल्स वो देख लेते हैं। तो पहले इनका जो राज सिंह का टाइटल है वो है विजय कटकातु। ठीक है, तो ये आप नोट्स में, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लेना कि जो राज सिंह की उपाधियाँ वो कौन कौन सी है। एक तो है विजय कटकातु, ठीक है, इसका मतलब होता है कि सेनाओं को जीतने वाला। ठीक है, इसके अलावा इनको कहा जाता है हाइड्रोलिक रूलर, यानी हाइड्रो मतलब जल और रूलर मतलब यानी जल का शासक, यानी जल की व्यवस्था करने वाला शासक। ठीक है, इसका पूरा जो मतलब होगा वो होगा कि जल की व्यवस्था करने वाला रूलर का मतलब शासक। ठीक है, यानी महाराणा सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, और कहते हैं कि ये झील का निर्माण है वो उन्होंने अकाल राहतकारियों के लिए करवाया था, इसलिए उनको हाइड्रोलिक रूलर भी कहा जाता है, यानी जल की व्यवस्था करने वाला शासक। तो ये राज सिंह की उपाधियाँ थी। और इधर हम पढ़ रहे थे, अभी क्या पढ़ रहे थे, महाराणा अमर सिंह सेकेंड के बारे में। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि महाराणा अमर सिंह सेकेंड के समय अमरसाई पगड़ी है उसका प्रचलन मेवाड़ में हुआ, इसके अलावा उन्होंने अपने नाम पे एक अमर विलास महल है उसका निर्माण करवाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं इनके बारे में, देवारी समझौता, देवारी एग्रीमेंट। ठीक है, ये कब हुआ था, तो ये याद रखिएगा 25 मई 1708। अभी ये क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे, यानी इसकी पृष्ठभूमि देखिएगा, उसके बाद में आपको समझ में आएगा ये समझौता। तो हमें जाना पड़ेगा मुगलों में, हमने पढ़ा था कि आपने पढ़ा होगा कि 1707 में जो मुगल बादशाह था औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो गई 1707 में। अब 1707 में जब औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो गई, तो औरंगजेब के पुत्र थे उनके मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष है वो स्टार्ट हो जाता है। अब औरंगजेब के पुत्र कौन कौन से थे, तो एक पुत्र था मुअज्जम, एक पुत्र था आजम, और एक पुत्र था कामबख्श। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा हमें बातें याद नहीं रखनी, ठीक है, हमें मुअज्जम और आजम के बारे में है वो बातें याद रखनी है, क्योंकि जो उत्तराधिकारी संघर्ष मुख्य रूप से हुआ था वो मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था। ठीक है, इन दोनों के मध्य जब युद्ध हुआ, तो जो राजपूताने की रियासतें थी उनमें से कुछ रियासतों ने मुअज्जम का साथ दिया, कुछ ने आजम का साथ दिया। अब किसने आजम का साथ दिया, किसने मुअज्जम का साथ दिया, तो इसमें मेनली हमें आप याद रखना है कि आमेर वाले, यानी जो आमेर के राजा उस वक्त हुआ करते थे, यानी इस वक्त स्वाई जयसिंह है वो आमेर के राजा हुआ करते थे। अब स्वाई जयसिंह ने क्या किया, आजम का साथ दिया, और स्वाई जयसिंह के भाई हुआ करते थे विजय सिंह ने किसका साथ दिया, मुअज्जम का साथ दिया। और अब इन दोनों में से, यानी मुअज्जम और आजम के मध्य जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ उसमें जीता कौन, तो जिसके पास विजय सिंह है यानी विजय, वो भी जीता, यानी वही जीता, कौन जीता, मुअज्जम। और मुअज्जम है वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से है वो मुगल बादशाह बना। ठीक है, कौन बना, मुअज्जम। तो ये जब बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बना, कौन, मुअज्जम, तो इसने जो अपने सेनापति वगैरह यानी जो इसके अंडर काम करते उससे पूछा कि जब आजम के साथ मेरा युद्ध हुआ तो उस वक्त किस किस रियासत ने, यानी राजपूताने की रियासत ने अपना साथ दिया था,
और किस किस रियासत, सॉरी कौन कौन सी रियासत हमारे विपक्ष में थी। तो इसलिए अब कहीं ने बताया कि सब ये रियासतें वो हमारे पक्ष में थी और ये रियासतें हमारे विपक्ष में थी। तो इसमें किसी ने कहा कि जो अमेरिका स्वाइजेशन था वो भी हमारे विपक्ष में था। तो इसलिए बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया, स्वाई जयसिंह को आमेर का राजा है वो हटा दिया और किसको बना दिया, उसके भाई विजय सिंह को है वो आमेर का राजा बना दिया। यानी आमेर का राजा कौन हो गया, विजय सिंह, और किसको हटा दिया, स्वाई जयसिंह को। अब स्वाई जयसिंह को हटा दिया तो अब स्वाई जयसिंह क्या करेगा, फिर से आमेर को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, ठीक है। और इधर हमने पढ़ा था कि जब औरंगजेब जीवित था तो उस वक्त हमने पढ़ा था कि औरंगजेब ने मारवाड़ के जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ के जसवंत सिंह के पुत्र थे अजीत सिंह, उसको है वो मारवाड़ का राजा नहीं माना था, किसने, औरंगजेब ने। और ये काम किसने किया, बहादुर शाह प्रथम ने, इसने भी है वो अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा नहीं माना। और कहते हैं कि अजीत सिंह ने एक बार मारवाड़ पे अधिकार करने का प्रयास भी किया था लेकिन असफल हो गए। अब देखिए इधर अजीत सिंह जो कहाँ के, मारवाड़ के, ये अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं यानी मारवाड़ को, और इधर स्वाई जयसिंह आमेर को प्राप्त करना चाहते हैं, ये भी इनका पितृ राज्य है। तो ये दोनों यानी स्वाई जयसिंह और अजीत सिंह दोनों ही क्या करना चाहते हैं, अपने अपने राज्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये गए किसके पास, तो ये गए मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड के पास, ठीक है। अब ये मेवाड़ महाराणा सेकंड के पास गए और इन्होंने जाके कहा कि राणा साहब हमें जाके हमें जो अपनी अपनी रियासतें हैं यानी अपने अपने जो राज्य हैं वो वापस दिलवाइए। तो इसलिए अब ऐसा अमर सिंह सेकंड से कहा तो महाराणा अमर सिंह ने कहा कि दोनों है यानी दोनों के राज्य हैं वो मैं वापस आपको दिलवा दूंगा लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं वो आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, पहले तो देखिएगा कि ये देवारी समझौता किन किन के मध्य हुआ, ठीक है। इतनी जो बातें मैंने आपको बताई अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा किस किस के मध्य ये समझौता हुआ। तो मारवाड़ से कौन है, अजीत सिंह, क्योंकि अजीत सिंह अपना पैतृक राज्य है वो प्राप्त करना चाहते हैं। इधर आमेर से कौन है, स्वाई जयसिंह, ये भी अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं। और किसके साथ ये समझौता कर रहे हैं, तो मेवाड़ के, और मेवाड़ में महाराणा कौन है, तो अमर सिंह सेकंड। अब इन तीनों के मध्य समझौता होगा और किसके विरुद्ध होगा, तो ये विरुद्ध होगा मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध। यानी मारवाड़ आमेर और मेवाड़ तीनों रियासतें हैं वो मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध गए, एक समझौता कर रही है। इस समझौते का नाम है देवारी समझौता। 25 मई 1708 को ये समझौता होता है और इस समझौते की क्या क्या शर्तें वो हम देखते हैं। तो अब दोनों ये मारवाड़ और आमेर वाले गए यानी मारवाड़ से अजीत सिंह और आमेर से स्वाई जयसिंह, और दोनों जाके राणा साहब से कहा कि हमें अपने अपने राज्य दिलवाइए। तो अमर सिंह ने कहा कि बिल्कुल दिलवाएंगे आपको लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं, तो अमर सिंह ने कहा कि मेरे एक बेटी है यानी राजकुमारी है, नाम है सुंदर कुमारी, उससे शादी करनी होगी। तो भाई साहब अजीत सिंह भाग के तैयार हुए कि अभी कर लूँगा मैं शादी। तो अजीत सिंह गए और अजीत सिंह ने कहा कि बिल्कुल राणा जी मैं कर लूँगा शादी। तो अमर सिंह ने कहा पूरी बात तो सुनो, ये तेरे साथ शादी नहीं करनी है, शादी करनी है मुझे आमेर के स्वाई जयसिंह के साथ, यानी अपनी पुत्री की शादी किसके साथ करनी है मुझे, आमेर के स्वाई जयसिंह के साथ, ठीक है। तो स्वाई जयसिंह ने कहा बिल्कुल शादी कर लेंगे राणा साहब, और बोलिए। तो राणा साहब यानी जो अमर सिंह सेकंड थे उन्होंने कहा कि स्वाई जयसिंह के साथ है वो शादी करूँगा लेकिन स्वाई जयसिंह जी आप सुन लीजिए कि जो मेरी पुत्र से यानी सॉरी जो मेरी पुत्री से जो अगला पुत्र होगा यानी आमेर का, वही क्या बनेगा, आमेर का राजा बनेगा। यानी मेरी पुत्री से जो पुत्र प्राप्त होगा वही आमेर का अगला राजा होगा आपके बाद। तो स्वाई जयसिंह ने ये बात है वो मान ली, ठीक है। और अब एक तो ये शर्त थी, दूसरी शर्त क्या थी कि अजीत सिंह और स्वाई जयसिंह को महाराणा अमर सिंह के हैं अपने अपने राज्य हैं वो दिलवाएंगे, ठीक है, यानी अपने अपने जो राज्य वो वापस दिलवाएंगे। तो ये शर्त थी। अब कहते हैं कि तीनों जो संयुक्त सेना थी यानी मेवाड़ मारवाड़ आमेर, तीनों सेनाएं पहले जाती है कहाँ पे, मारवाड़, और अजीत सिंह को क्या है मारवाड़ का राजा बनवाती है, उसके बाद में जाती है आमेर और स्वाई जयसिंह को भी क्या है राजा बना देती है आमेर का, ठीक है। इस प्रकार हम कहते हैं कि ये सांगा के बाद अगर आप देखें तो ये सांगा के बाद मेवाड़ की या राजपुताने सॉरी मेवाड़ की क्या राजपुताने की तीन बड़ी रियासतें वो आपस में मिल रही है। ये या तो सांगा के समय हुआ था जब
सारी रियासतें हैं राजपूताने की वो सहायता करने आई थी। अब यहाँ पे तीन बड़ी रियासतें हैं वो मिल रही है सांगा के बाद, ठीक है। और ये सारी कहते हैं कि जो योजना थी ये दुर्गादास जी राठौड़ की थी, ठीक है। इन दुर्गादास जी राठौड़ की ये योजना थी, ठीक है। अब ये समझौता था आपको समझ में आ गया होगा, कब हुआ था तो 25 मई 1708 किसके विरुद्ध, मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध। अब देखिए मारवाड़ के अजीत सिंह ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया, आमेर के जयसिंह ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया, ठीक है। और इधर शादी कर दी गई किसकी, आमेर के राजा स्वाई जयसिंह की शादी कर दी गई किसके साथ, मारवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्रकुबरी के साथ। अब शादी हो गई, अब शादी के बाद में कहते हैं कि जो चंद्रकुबरी से जो पुत्र प्राप्त होगा वही क्या आमेर का राजा बनेगा। और हम आगे पढ़ेंगे कि जब हम आमेर का इतिहास पढ़ेंगे उस समय हम पढ़ेंगे कि स्वाई जयसिंह की जब मृत्यु होती है उसके बाद में स्वाई जयसिंह का जो सबसे बड़ा पुत्र था ईश्वरी सिंह वो है अगला राजा बनेगा आमेर का। लेकिन शर्त यानी जो देवारी समझौते के तहत जो शर्त हुई थी कि जो मेवाड़ राजकुमारी है चंद्रकुबरी उसका पुत्र ही अगला है वो आमेर का राजा बनेगा। और जो चंद्रकुबरी का पुत्र था वो था माधु सिंह। अब माधु सिंह है वो कहने लगा ईश्वरी सिंह से कि मैं राजा बनूंगा। इसके मध्य हम कहेंगे कि दोनों के मध्य है वो उत्तराधिकारी संघर्ष हो जाएगा स्वाई जयसिंह की मृत्यु के बाद, किस किस के बीच, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच, ठीक है। और जब ये कहते हैं कि दोनों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष होगा तो उस वक्त कहते हैं कि जो माधो सिंह जो कि मेवाड़ की राजकुमारी थी चंद्रकुबरी उसका पुत्र था, तो इसलिए माधो सिंह के जो ननिहाल वाले थे यानी मेवाड़ वाले वो माधो सिंह की सहायता करने जाएंगे। और इसके अलावा कहते हैं कि माधो सिंह है वो मराठों को भी बुला लेगा। और इस प्रकार हम कहेंगे कि राजपूताने में पहली बार है वो मराठों का क्या होगा, आगमन होगा। और पहली बार कहते हैं कि मराठा 1711 में है वो मेवाड़ से यानी मेवाड़ का जो मालवा वाला एरिया है वहाँ से क्या है चौथ वसूली करेंगे, ठीक है 1711 में। ये कहते हैं कि एक प्रकार से देवारी समझौते में जो ये शर्त तय की गई थी उसका ही परिणाम है कि इतनी जल्दी राजपूताने में मराठों ने आगमन हुआ मराठों का, ठीक है। तो अब हम कल पढ़ेंगे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर मैं आपको थोड़ा चीज़ें हैं वो समझा नहीं पा रहा हूँ या फिर मुझे और सुधार करने की आवश्यकता है तो ये भी आप कमेंट में सजेशन दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।